सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश, स्वागत है आपका लर्निंग फैक्ट पर। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में आयोजित अपनी एक पॉलिटिकल रैली के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में रहने वाले लोगों के ऊपर अलग अलग कानून कैसे लग सकता है, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग और क्रिश्चियन के लिए अलग। हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो सभी धर्मों के लोगों पर एक समान लागू हो। पीएम के इस बयान के बाद से ही कई अपोजिशन पार्टी में हलचल मच गई। कुछ तो इनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कई राजनेता इनके बयान का विरोध करने लगे। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या यह केवल एक हिंदुत्व एजेंडा है या फिर अन्य धर्मों के लोगों के लिए एक नया कानून? इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो पे आते हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार सन 2014 के बाद से सत्ता में आई है, तब से ही उनके प्राइम तीन एजेंडे रहे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना। और तीसरा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। पहले दो एजेंडों पर तो काम हो चुका है, अब सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से यूसीसी के लिए आवश्यक सिफारिशों की मांगें की है। इसके बाद 22nd लॉ कमीशन ने भी 14 जून 2023 से 14 जुलाई 2023 तक 30 दिनों के अंदर भारत के सभी धार्मिक संगठन और आम जनता से यूनियन मिनिस्टर के हवाले से अपनी वेबसाइट पर सुझाव मांगे हैं। सभी की ओपिनियन और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मिल जाने के बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप देगी। फिर सरकार इसमें ज़रूरी संशोधन करके संसद में इसे बिल के रूप में पेश करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है? यूसीसी का अर्थ है एक समान नागरिक संहिता। यह भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। यूसीसी लागू हो जाने से सभी धर्मों का कानून एक समान हो जाएगा। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी पर एक समान लागू होता है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रोविज़न दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य का उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। आमतौर पर भारत में तीन तरह के कानून चलते हैं, क्रिमिनल लॉ, पर्सनल लॉ और कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनियों या व्यापारिक संगठनों पर लगाया जाता है। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूटपाट, मर्डर जैसे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई की जाती है। इसमें किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान रहता है। यानी मर्डर हिंदू ने किया हो या मुसलमान ने, इस बात से FIR, सुनवाई और सज़ा में कोई भी अंतर नहीं किया जाता। लेकिन पर्सनल लॉ में सभी धर्मों के कानून अलग अलग होते हैं। पर्सनल लॉ के अंतर्गत मैरिज, डिवोर्स, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और प्रॉपर्टी से जुड़े केसेस आते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट 1936। जहाँ पर हिंदू आदमी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, ऐसा करना उसके लिए कानूनी अपराध है, वहीं मुस्लिम आदमी एक साथ 4 बीवियाँ रख सकता है। हिंदुओं में लड़कियों को प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, तो वहीं मुस्लिम में मुस्लिम लड़कियों को उनके पिता की डेथ हो जाने के बाद लड़के के मुकाबले काफ़ी कम हिस्सा दिया जाता है। मुस्लिम पति की डेथ हो जाने के बाद उनकी पत्नी को प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा ही दिया जाता है, बाकी बचा हिस्सा परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तलाक़ हसन नाम का कॉन्सेप्ट मुस्लिमों में चला आ रहा है, जिसके अंतर्गत 3 महीनों के दौरान नोटिस के माध्यम से हर एक महीने में तलाक दिया जाता है। इसके अलावा साउथ इंडिया के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक में क्रिश्चियन औरतों को तलाक लेना ही मना है, क्योंकि कैथोलिक ट्रेडिशन में पति यदि नपुंसक होता है तभी महिला तलाक ले सकती है, अन्यथा नहीं।
पारसियों में यदि कोई लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसे पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि पारसी ट्रेडिशन में दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करना मना है। तो इतने सारे डिफरेंट कानून होने की वजह से सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में लेकर आना चाहती है, जहाँ पर सभी रिलीजन के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा केवल हाल फिलहाल का ही नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा लंबे समय से चली आ रही है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ के सभी लोगों पर, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ जैसे कानून लगाए थे, लेकिन पर्सनल लॉ के अंतर्गत उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि वह ऐसा दिखाना चाहते थे कि वह किसी भी धर्म के निजी मामलों पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। वह हिंदू मुस्लिम के आपसी झमलों पर नहीं पड़ना चाहते थे। उनका उद्देश्य तो केवल भारत से ज़्यादा पैसा कमा कर, या यूँ कहे भारत को लूट कर उसका धन यूरोप को भेजना होता था, तो वह पर्सनल कानून पर क्यों ध्यान देते। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तब भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में जोड़ने की बात कही। उन्होंने इसे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन उसी समय एक अन्य लीडर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर मना कर दिया कि देश वैसे भी अभी अभी आज़ाद हुआ है, इसे लागू करने से हिंदू मुसलमानों में दंगे फसाद बढ़ सकते हैं और देश में हिंसा का माहौल बन सकता है। इसके बाद UCC के मुद्दे को लेकर संविधान सभा में एक लंबी बहस छिड़ गई, जिससे दो गुट बन गए, एक तरफ बाबा अंबेडकर व दूसरी तरफ नेहरू, क्योंकि नेहरू जी भी उस समय तक एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे तो उनकी बात मानी गई। नेहरू जी की बात को मानते हुए UCC को संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के बजाय भाग 4 के DPSP में रखा गया, क्योंकि मूल अधिकारों का वायलेंस होने पर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन DPSP को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही इसे संवर्ती सूची में लिस्ट 5 में रखा गया। संवर्ती सूची में उन विषयों की सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 को भी जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण, पूजा पाठ, रीति रिवाज व अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन इसमें यह भी क्लॉज जोड़ा गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर गलत काम करता है तो राज्य धर्म के परे जाकर कानून बनाकर उसे सजा दे सकती है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करने वालों की। कई राजनेता व धार्मिक संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध निम्न 4 कारणों के आधार पर करते हैं। पहला है हिंदुत्व एजेंडा। कई मुस्लिम राजनेता ऐसे हिंदू सिविल कोड कहते हैं या ऐसे हिंदुत्व प्रोपेगेंडा कहते हैं। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल केवल मुस्लिमों की मान्यताओं को ख़त्म कर उन पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को थोपना है। उनके अनुसार यदि यह कानून आता है तो मुसलमानों की जो अपनी मान्यता है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा व उसे हिंदुओं के जैसे व्यवहार करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विरोध करने वाले दूसरा कारण अदर माइनर कम्युनिटी को मानते हैं। उनके अनुसार यदि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुसलमानों के अलावा जो भी छोटे छोटे आदिवासी समुदाय हैं उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। जैसे हर राज्य में कुछ आदिवासी समुदाय रहते हैं जो अपनी रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करना पसंद करते हैं, तो उनके अधिकारों को भी छीन लिया जाएगा। उदाहरण के लिए मेघालय का खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक नियमों पर चलता है। खासी समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता है और बच्चों के नाम के आगे माँ का सरनेम लगता है। इन्हें अधिकार संविधान की 6 अनुसूची में दिया गया है। साउथ इंडिया में भी कजन मैरिज का प्रचलन है। इसके अलावा झारखंड आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा है कि हमें डर है कि UCC की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट व संथल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे 2 आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षा देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा गौंड समुदाय होता है जिसमें महिला 1 से ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी कर सकती है, तो UCC के अगेंस्ट में जो भी बात करते हैं उनका यही डर होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो भी अदर माइनर कम्युनिटी है उनके सांस्कृतिक पारंपरिक रीति रिवाजों को ख़त्म कर दिया जाएगा और उन पर सरकार के अनुसार कानून को लाद दिया जाएगा। तीसरा कारण है CRPC एक्ट व IPC एक्ट।
विरोध करने वाले कहते हैं कि जब देश में ऑलरेडी CRPC और IPC जैसे कानून मौजूद है जिसका इस्तेमाल सभी धर्म के लोगों को सजा देने के लिए एक समान रूप से किया जाता है तो UCC की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CRPC और IPC कानून हर राज्य में एक समान नहीं है। जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रेप के लिए फांसी देने का प्रावधान है, तो वहीं अन्य राज्यों में उम्र कैद या 7 साल की सज़ा। अपराधी के जमानत को लेकर भी हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। विरोध करने वाले चौथा कारण, संविधान निर्माता को मानते हैं। उनका कहना है कि यदि UCC देश के लिए इतना ही ज़रूरी है तो संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकार में क्यों नहीं रखा। उन्होंने तो इसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा है ताकि राज्य ये तय करे कि उन्हें UCC अपने राज्य में लागू करना है या नहीं। फिलहाल गोवा देश का एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर UCC लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी UCC को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब बात करते हैं UCC का सपोर्ट करने वालों की। UCC का सपोर्ट करने वाले राजनेता इसे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बिल के आ जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो महिलाओं को ही होने वाला है, या यूँ कह लें मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि हिंदू महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे कानून बने हैं जिसका फ़ायदा हिंदू महिलाएँ उठा रही है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं अभी भी शरिया कानून को फॉलो करती है जिसमें औरतों को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट यह बताते हैं कि सरकार UCC को देश में लागू ना करके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का भी वायलेंस करती है। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वंश इत्यादि के नाम पर कानूनी कार्यवाही में भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन देश में ऐसा तो होता आ रहा है। UCC के आ जाने से सारी चीज़ें हट जाएगी और सभी को एक समान जस्टिस मिलेगा। वोटर्स तीसरा पॉइंट यह कहते हैं कि इसे हिंदू सिविल कोड कहना गलत है क्योंकि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसके अंतर्गत अलग अलग कानूनों को केवल एक ही सेट तैयार किया जाएगा और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बाकी सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए होगा। वोटर्स चौथा पॉइंट यह बताते हैं कि हमें बदलते समय के साथ अपने कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। अब लोगों की प्राथमिकता बदल गई है, लोगों को समझ आने लगा है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और देश को भी बदलते टाइम के साथ अपने कानूनों में बदलाव करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, और भी फायदे हैं, जैसे लड़कियों की शादी की एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। साथ ही कई कम्युनिटियों में एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज है तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। UCC के आ जाने से अदालतों में जो इतने सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं उनका भी बर्डन कम हो जाएगा। साथ ही CRPC और IPC कानूनों में कुछ अच्छे बदलाव किए जाएंगे। दुनिया के अधिकतर देश ऐसे हैं जहां पर UCC लागू है, जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE। USA, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में वहाँ के लोगों को उनके धर्मों के हिसाब से रीति रिवाज करने की आज़ादी है, लेकिन जब बात आती है पर्सनल कानून की तो उन्हें एक ही कानून फॉलो करना होता है जिसे UCC कहते हैं। जब इन देशों में एक ही कानून के हिसाब से सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से चल रही है तो हमारे देश में क्यों नहीं चल सकती। अतः दोस्तों, वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के लिए UCC आना बहुत ज़रूरी है और इसे आना ही चाहिए। इसके आने से सारी चीज़ें लीगल तरीके से होगी और यह कानून देश को यूनिफाइड करेगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।